केरल के कोझिकोड में रहने वाले एक ट्रांसजेंडर कपल के घर जल्द ही बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। कपल जिया और जाहद माता पिता बनने वाले हैं। इनमें से जाहद 8 महीने की गर्भवती है। दोनों ने माता पिता बनने की खुशखबरी को सोशल मीडिया पर जारी किया है। ये कपल उम्मीद कर रहा है कि मार्च के महीनों में वह माता पिता बन जाएंगे। दोनों पिछले 3 साल से एक साथ रह रहे हैं। देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई पुरुष ट्रांसजेंडर प्रेग्नेंट है। पिछले 3 साल से साथ रह रहे कपल ने अपनी इस खुशखबरी को साझा करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया। डांसर जिया पावल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करके बताया कि उनके साथी जाहद अब 8 महीने की गर्भवती है। साथ ही यह भी लिखा कि हम माता पिता बनने के सपने को साकार करने वाले हैं। पावल ने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि 8 महीने का भ्रूण अब जाहद के पेट में है। जिया एक पुरुष के रूप में पैदा हुई थी जो अब महिला में ट्रांस हो चुकी है। वही जाहद एक महिला के रूप में जन्म लिया था जो अब एक पुरुष में ट्रांस हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांस कपल ने जेंडर बदलने के लिए सर्जरी का सहारा लिया था। जिया ने एक पुरुष के रूप में जन्म लिया था जबकि जाहद ने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया था। दोनों ने बाद में सर्जरी के सहारे अपना जेंडर बदल लिया। जिया एक स्त्री बन गई और जाहद एक पुरुष। जाहद की जब सर्जरी होने के बाद भी गर्भ धारण किया। बताया जा रहा है कि पुरुष बनने के सर्जरी के दौरान उनके गर्भाशय में कुछ अंगों को हटाया नहीं गया था जिसके चलते वह गर्भवती हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कपल ने पहले एक बच्चा गोद लेने की योजना बनाई थी और प्रक्रिया के बारे में पूछताछ भी की थी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि वे एक ट्रांसजेंडर कपल है। इस कारण वे पीछे हट गए। जिया ने अपने परिवार और डॉक्टरों को सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। जाहद बच्चे को जन्म देने के बाद पुरुष बनने की प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करेगा। जिया ने कहा, हमें मेडिकल कॉलेज में ब्रेस्ट मिल्क बैंक से बच्चे के लिए दूध मिलने की उम्मीद है। इंस्टाग्राम पोस्ट को हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं और लोग कपल को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं।